वेलकम टू प्रीति डायरीज। मैं प्रीति झा आप लोग का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही थी तवे पर पिज्जा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये बहुत ही इजीली बन जाता है, बहुत ही कम सामान से घर पर बहुत ही अच्छा पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है। बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मिर्च, प्याज, गाजर, टमाटर, एक बाउल मैदा, मोजरेला चीज, मैदे को डालेंगे, एक नमक 1 चम्मच, बेकिंग सोडा आधी चम्मच, 1 से 2 चम्मच तेल। मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट गूंदना है। अच्छे से इसे मसल कर थोड़ा और पानी डालकर गूंद लेंगे और हाथ को चिकना करके इस डो को तैयार कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो यहाँ डो सेट हो गई है। अब इसको एक बाउल में रखकर ढक देंगे। 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटे के बाद ये डबल हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर मैंने इसे गोल बेल लिया है। अच्छे से बेलेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तवे को हीट कर दिया है। तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। गैस को धीमी करके उस पर ये पिज्जा बेस को हम उठाकर पलट कर डाल देंगे। यहाँ मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैं इसमें कांटे से छेद करना भूल गई थी। तो आप लोग बिल्कुल ये मत भूलिएगा। इसमें बबल्स आने लगे हैं। मुझसे कितनी बड़ी भूल गई, मैं कांटे से कुछ बेस को छेद करना ही भूल गई। इसको तवे से हटाकर मैंने छेद कर दिया और फिर इसे तवे पर रख दिया है। अब 1 मिनट के बाद इसे पलट दें। पलटने के बाद हम इसमें लगा देंगे पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा सॉस के बाद हम इसमें लगा देंगे वो सारी सब्जियां जो काट कर रखी है, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और थोड़ी सी टमाटर। तो ये सब हम इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद इसमें मोजरेला चीज भी ही डाल देंगे कद्दूकस करके। मोजरेला चीज डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए ढक कर रखना होगा। तो यहाँ देखिए हमने सारी सब्जियों को डाल दिया है पिज्ज़ा बेस के ऊपर। इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। मैं कई बार बना चुकी हूँ, तो आप लोग भी घर पर जरूर ट्राई कीजिए।